रूस यूक्रेन युद्ध खास तौर पर यूक्रेन की बर्बादी का कारण बना है। रूस एक एक करके यूक्रेन के सभी बड़े शहर तबाह कर रहा है। ये बीते 2 साल से ज्यादा समय से चल रहा है, लेकिन इस जंग को रोकने को लेकर कोई पुख्ता हल अभी भी नहीं निकला है। उधर दुनिया को रूस की ओर से परमाणु हमले की चिंता सता रही है। फाइनेंशियल टाइम्स ने लीक दस्तावेजों के जरिए एक हैरान करने वाली रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी। लीक दस्तावेजों में ऐसा क्या है? लीक दस्तावेजों में बताया गया कि आखिर रूस कब परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। ये 29 लीक फाइलें 2008 से 2014 के बीच और टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार से जुड़ी है। यानी रूस का ये प्लान कोई नया नहीं बल्कि लगभग एक दशक पुराना है। कैसे हथियारों का इस्तेमाल करना चाहता है रूस? दस्तावेजों के मुताबिक रूस जिन हथियारों का इस्तेमाल करना चाहता है वह पूरे शहर को तबाह करने वाले अंतर महाद्वीपीय श्रेणी के परमाणु बम नहीं है। यही नहीं, इन दस्तावेजों में ये तक बताया गया है कि कितना नुकसान होने पर रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अगर रूस के 20% रणनीतिक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां खत्म हो जाती हैं तो वह परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। अगर 3 एयरफील्ड तबाह हो जाती है तो भी परमाणु युद्ध हो सकता है। न्यूक्लियर पावर पनडुब्बियां अगर 30% नष्ट हो जाती हैं तो भी हमला किया जा सकता है। रूस को चीन के हमले का डर। रूस को चीन से हमले का खतरा लग रहा है। ऐसे में चीन को रोकने के लिए रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार तैनात कर सकता है। हालांकि दोनों देशों के बीच नो लिमिट पार्टनरशिप है और दोनों देशों ने एक दूसरे की सेना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये प्रतिज्ञा की है, लेकिन रूस का पुराना डर अब तक कायम है।